हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टैरो विद कृष्णा में एक नया सेशन, और आज मैं बताऊंगा आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। जी हाँ, जुलाई का महीना आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, इसके लिए मैंने तीन पाइल्स तैयार करी हैं। जैसा कि हर बार के मासिक टैरो रीडिंग में मैं करता हूँ, मंथली टैरो रीडिंग में, तो आज जो तीन पाइल्स मैंने ली हैं, इसमें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, कोई कलरिंग नहीं है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से मैच नहीं करते। पहला ऑब्जेक्ट है हार्ट, जी हाँ, दिल। दूसरा ऑब्जेक्ट है पेंटिकल, और तीसरा ऑब्जेक्ट है कप। कप ये जो टैरो कार्ड वाला कप होता है, वो है, चाय वाला कप नहीं है। तो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों पाइल्स को एक साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। पाइल नंबर वन हार्ट है, पाइल नंबर टू पेंटिकल है, और पाइल नंबर थ्री है कप। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले अट्रैक्टिव करता है, जो जिस ऑब्जेक्ट की ओर आपको पहला आकर्षण महसूस होता है, या जो ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि आपकी पाइल हो सकता है, उसे ही अपनी पाइल माने। किसी तरह का मेडिटेशन वगैरह करके दिमाग को कैलकुलेशन करने की परमिशन बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि दिमाग जब कैलकुलेशन करके पाइल चूज करता है तो वो थोड़ा सा रेजोनेशन में प्रॉब्लम करती है, और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये आपसे 70 से 100% के बीच में रेजोनेट कर सकती है। और हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प दे दिए गए हैं आपकी पाइल के लिए। तो अगर आप अपनी पाइल से संबंधित वीडियो को तुरंत देखना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। शुरू करने से पहले एक बार आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी वजह से थोड़ा स्टक हैं, परेशान हैं, और आपको गाइडेंस की जरूरत है, मेरी काउंसलिंग की जरूरत है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपके आ रहा है, इस नंबर के ऊपर आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर सीधे मेरी टीम द्वारा हैंडल किया जाता है, इस नंबर को मैं हैंडल नहीं करता हूं। आपका पहला कनेक्शन मेरी टीम के साथ होगा। मेरी टीम जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उस पर मैसेज पर आंसर करेगी, और आपको कोऑर्डिनेट करेगी, पूरी इंफॉर्मेशन देगी कि किस तरह से आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और जब आपकी बुकिंग हो जाएगी तो एज पर द शेड्यूल मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए, और एक बार स्वागत करूंगा उन सभी लोगों का जो आज मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं। हेलो हेलो, वेलकम इन एस्ट्रो गुरु चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स, आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने नए चैनल जिसका नाम मेरे नाम पर है, कृष्णा गुप्ता, जिस पर मैं स्टोरीज पोस्ट करता हूँ, उस पर एक नई स्टोरी पोस्ट कर दी गई है, एक नास्तिक की कहानी। जी हाँ, ये एक, मैं अब आपको कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं दूंगा कि कहानी में क्या है, आप उस चैनल पर जाएं और उस कहानी को सुने। एक नास्तिक की कहानी है ये, एक नास्तिक किस प्रकार से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और उसके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट क्या था, इसके बारे में मैं आपको उस स्टोरी में बताऊंगा। तो उस चैनल पर जाकर के आप स्टोरी देख सकते हैं, और स्टोरी का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आपकी पाइल में, और जानते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब शुरू करेंगे पाइल नंबर वन से। हेलो पाइल नंबर वन, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने हार्ट यानी दिल को चुना था तो आपकी पाइल नंबर वन है, और अब आपके लिए मैं रीडिंग करूंगा और देखूंगा कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या मोड़ आएंगे, क्या क्या नई चीजें आएंगी आपके लिए, और क्या क्या सतर्कता आपके लिए टैरो से आ रही है, यानी क्या क्या आपको नहीं करना है, ये सब भी आएंगे। तो पाइल नंबर वन आपके लिए मेरे पास जो पहला कार्ड आया है ये है सन का। सेकंड कार्ड आपके लिए आया हुआ है पेग ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर थ्री आपके लिए है पेग ऑफ द सॉर्ड्स। फोर्थ पोजिशन पर टू ऑफ द वॉन्ड्स। और लास्ट में आपके लिए आया है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। तो पांच कार्ड मेरे पास आपके लिए आ चुके हैं। रेगुलर डेक जिसको राइडर वाइट बोलते हैं, जो बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल टैरो डेक मानी जाती है, उससे जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। तो पाइल नंबर वन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला महीना आपके लिए ठीक ठाक बीता है, अच्छा बीता है, हालांकि बस केवल लास्ट में थोड़ा आपका ईगो बढ़ गया था, या आपने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया जब आप अपने ऊपर थोड़ा अहंकारी हो गए थे, लेकिन उस अहंकार पर आपने अच्छा कंट्रोल भी किया और कुल मिलाकर के एक अच्छे सुखद एहसास का अनुभव किया। लेकिन जो ये पिछला मंथ आपका था, इस पिछले मंथ में कई सारी ऐसी भी चीजें हुई हैं जो आपके लिए थोड़ी सी संदेहास्पद कह दें, या ये कहें कि ऑकवर्ड है, या ये कहें कि आपने सोचा नहीं था, कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं। खैर, वो सब अच्छी हैं, अच्छी बातें हैं, जो कुछ भी हुई, जो बीत गया सब अच्छा ही होता है एक तरीके से। जो ये जुलाई का महीना होगा, ये महीना आपके लिए मेटेरियलिस्ट वर्ल्ड जो है, यानी कि जो ये भौतिक जगत जिसको कहते हैं मेटेरियलाइज्ड वर्ल्ड, इसमें ग्रोथ करने का वर्ड है। चीजें आपके लिए धीमी चलेंगी। दो तीन चीजें हैं, इसको ठीक से समझ लें।
पाइल नंबर वन, पहले तो आपको अपनी स्किल सेट में थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी है, दूसरे आपको अपनी इमेज को नए सिरे से बनाने के मामले पर थोड़ा जुटना होगा। अगर आप अपनी नई इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी से बचना होगा, दिखावेपन से बचना होगा और कुछ भी साबित करने की मेंटेलिटी से बाहर आ जाना होगा। मतलब आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ साबित करना है तो बस अपने आप को करना है, किसी दूसरे को साबित करने से आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। तीसरे, अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं इस पूरे महीने में, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे बाई चांस कि आप एक सिचुएशन में फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं और अब आगे का मार्ग नहीं दिख रहा है, आगे का मार्ग थोड़ा सा ऑकवर्ड है या शायद नहीं है, तो आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा नज़दीक देख रहे हैं। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि बस आप किसी एक गली के पास पहुँचे और आपने देखा अच्छा गली में थोड़ा सा पानी भरा है और आपने सोचा कि यार यहाँ से नहीं जाना चाहिए, और मान लेते हैं कि दूसरा कोई रास्ता नहीं, आप घर वापस चले गए, तो आप सचमुच नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस थोड़े से मुश्किल रास्ते को पार करने की प्लानिंग करी तो हो सकता है आगे आपको रास्ता बिल्कुल अच्छा मिल जाए। तो चीज़ें वैसे ही होंगी, छोटी सी परेशानियां होंगी, छोटी छोटी परेशानियां होंगी, सामना करने की मेंटेलिटी अगर आपने रख ली कि मैं इनका सामना करूंगी और उस सामना करके बाहर निकल जाऊंगी, तो आप बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि ये जो कुछ प्रॉब्लम मुझे सामने से दिख रही है, इस प्रॉब्लम से मैं हार सकता हूं, तो अब आपने अगर हार मान ली तो हार मान ली, बात खत्म हो गई। एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि इस पूरे जुलाई के महीने में, जैसा मैंने कहा, अपनी इमेज का ध्यान तो रखना है लेकिन अपने फायदे को सबसे आगे सर्वोपरि रखना है। आप अगर अपने फायदे को आगे रखकर काम नहीं करेंगे तो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। यहां पर पेग ऑफ द सोर्ड्स और नाइट ऑफ द सोर्ड्स दोनों आए हैं और दोनों के बीच में आया है टू ऑफ द वांड्स का कार्ड। ये जो टू ऑफ द वांड्स का कार्ड है, इसको बताते हुए शुरू में आपको ध्यान हो, मैं जरा सा रुक गया था क्योंकि पेग ऑफ द सोर्ड्स के बाद ये जो आया है, इसकी आते ही जो इंटरप्रिटेशन थी उसने मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा था पेग ऑफ द सोर्ड्स को, तो मैं जरा सा रुक गया। लेकिन फिर बोला मैंने कि ठीक है, टू ऑफ द बॉन्ड्स आया हुआ है, जबकि आइडियली इसको टू ऑफ द शॉर्ट्स होता या अदरवाइज कोई कार्ड होता तो शायद बेटर होता। खैर, तो सीन ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा अनसपोर्टिव मोमेंट आपके लिए ऐसे बनेगा कि जब आप कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे इस जुलाई के महीने में और कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो आपको एक मुकाम पर ले जाए, लोगों की नज़रों में आपकी इमेज बढ़ाए या आप अपने आप को साबित कर पाएं, तो वहां पर चीजें आपकी हेल्प नहीं करेंगी। टू ऑफ द वांड्स आपकी हेल्प नहीं कर रहा, ये कहता नहीं जी मैं तो हेल्प नहीं कर रहा, शुरू का जो रास्ता खराब है ना वो आगे तक खराब रहेगा, रास्ता आपका सही ही नहीं होगा क्योंकि आप ना किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर आप किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करते और रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, ये हट गया, इसको बंद करते हैं, मैं ऐसे समझाता हूँ, आप देखते रहिए स्क्रीन को, एडिटर्स थोड़ा सा जूम कर दें यहां पर टेबल के पास प्लीज। तो जब आप मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, लक्ष्य आपने जो बना रखा है उसको पाने के लिए मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं, तो आपके अंदर से एक पैशन आना शुरू होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप पैशनेट होते हैं तो आगे जाते हैं, लेकिन यहां जब आप आगे बढ़ जाएंगे कि अच्छा चलो मैं कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी और मैं जो कुछ प्लान किया है हासिल करने का पूरा प्रयास करना है मुझे, और जैसे ही आप इस टेंडेंसी से, इस मेंटेलिटी से आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत ही आपके अंदर एक पैशन भी आ जाएगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक भी आ जाएगी और मर्सीलेसनेस भी आ जाएगी। अब जूम हटा दीजिए एडिटर्स। मर्सीलेसनेस का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप दया नहीं दिखाएंगे किसी पर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आपके द्वारा उठाए गए कदम बिल्कुल निर्दयता के साथ होंगे और उनको एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। इस जुलाई के महीने में आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से एक निश्चित भावना से, निश्चिंत नहीं कह रहा हूं, निश्चित भावना से आगे बढ़ें कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना ही है, इससे पहले रुकना नहीं है, तो आपके उस लक्ष्य को हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। बस एक चीज का ध्यान रखना, जैसा कि सन का कार्ड सबसे पहले आया है, आपकी इमेज ना खराब हो इसका ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी इमेज पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब जेन कार्ड लेंगे और आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि फैमिली, लव, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, और हाँ हर बार की तरह स्टूडेंट्स के लिए भी। जी हाँ, मैं स्टूडेंट्स के लिए भी अब चीज़ें ला रहा हूँ। स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी एक वीडियो निकाला था जिसका नाम, जो आप अभी आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, उन लोगों के लिए बनाया था जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं।
यानी कि आप अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं या किसी जॉब के एग्जाम में बैठते हैं, दोनों पर ये रेजोनेट करेगा। तो आप इसको अगर नहीं देखें तो देख लें, थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है, लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल ही जाएगा। तो जेन कार्ड से पहला कार्ड मेरे पास जो आया हुआ है, इसका नाम है द ड्रीम। ये कार्ड आपके लव लाइफ के लिए आया है। आपकी लव लाइफ इस महीने अच्छी और सुचारू यानी कि कंटिन्यूअस रहेगी, किसी तरह की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उम्मीद से ज्यादा की कल्पना करना, उम्मीद से ज्यादा की चाहत करना आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा, इसको ऐसे समझें। अब मैं इसको राइटर वाइट के डेक को हटा ही देता हूं ना, एक्चुअली तो बेटर रहेगा। तो उम्मीद से ज्यादा की कल्पना ना करें, ये आपके लिए सही होगा। अगर आप अपने प्यार में, आपका जो लव अफेयर है या आपके पति पत्नी के बीच का जो प्यार है, उसमें आप अपनी ओर से गिविंगनेस रखते हैं, देने की टेंडेंसी रखते हैं, पाने की टेंडेंसी नहीं रखते, तो प्यार आपको भरपूर मिलेगा। लेकिन अगर आपने पाने की टेंडेंसी रखी, देने की नहीं रखी, तो यकीन मानिए कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। यहाँ इस महीने अपने लवर, अपने प्रेमी पर अगर सचमुच आप उससे प्यार करते हैं तो शक ना करें, क्योंकि ये जो इस बार का कार्ड आया है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस महीने आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका की गतिविधियां थोड़ी सी संदिग्ध लग सकती हैं, लेकिन आपको शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम रहेगा, अदरवाइज कुछ नहीं रहेगा। फैमिली के बारे में द सोर्स का कार्ड आया है। द सोर्स का कार्ड बताता है कि आपकी फैमिली आपकी बैकबोन है, और अपनी फैमिली का पुरजोर ध्यान रखना आपका परम कर्तव्य बनता है। फैमिली ही आपके पूरे व्यक्तित्व को डिजाइन करती है, फैमिली ही आपके पूरे पर्सनालिटी के पीछे खड़ी है, यानी कि आपकी जो अभी की पर्सनालिटी है इसे डेवलप करने में आपकी फैमिली का योगदान है। लेकिन जब फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में हमेशा, एक को फैमिली सपोर्ट करती है, एक को नहीं करती है। तो सबसे पहले उनके लिए बता रहा हूँ जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अक्सर उनका नंबर बाद में आता है तो इसलिए यहाँ पर मैं उनका नंबर पहले ला रहा हूँ कि अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती तो आपको अपनी फैमिली के खिलाफ बिल्कुल बिचिंग नहीं करनी, कोई नकारात्मक बात बाहर नहीं ले जानी है, ना फैमिली में नकारात्मक बात करनी है ना बाहर कहीं करनी है। इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मैं आपको समझाता हूँ। नुकसान ये होगा कि अगर आप नकारात्मक बात करेंगे तो नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द चलेगी, यानी कि जो चीज हमारे मुंह से निकलती है, जैसे वो मंत्र होते हैं ना, मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, तो मंत्रों की चैंटिंग करने से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कभी मैं मंत्रों के बारे में एक वीडियो पूरा बनाऊंगा। कृष्णा गुप्ता जो मेरा नया चैनल है, उस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है। इस चैनल पर आपको सिर्फ टैरो रीडिंग मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मेरा बाकी जो कुछ थोड़ा मोड़ा जो मुझे नॉलेज है, वो सारे नॉलेज के बारे में पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ, और वो सब कुछ उस चैनल पर आने वाला है। अभी उस पर स्टोरीज आ रही हैं, आगे उस पर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, उस पर ज्ञानवर्धक चीजें आएंगी, मैं स्पिरिचुअल सेशंस भी उस पर करूंगा और आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो उसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन उसका भी प्रेस कर दें, ताकि और उस पर एक्चुअली अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो इस टैरो सेशन के बीच बीच में सब खो ना जाए, एक सेपरेट कहीं बना रहे ना, कि अगर कभी आप अपनी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं या एक स्पिरिचुअल जर्नी चाहते हैं तो आप वहां चले जाएं। अगर आपको कुछ मोटिवेशन स्टोरीज चाहिए जो स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं, आप मेरे उस चैनल पर चले जाइए। तो ये इसीलिए मैंने अलग किया है, अदरवाइज अलग करने का पहले तो मूड नहीं था, लेकिन फिर इसलिए अलग किया ताकि वो एक जहाँ कलेक्ट होता रहे, और जब वो थोड़ा रिच हो जाएगा उस पर कंटेंट, अभी तो थोड़ा ही कंटेंट है, तो बहुत ही बेटर लगने लगेगा। तो खैर, मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव ऊर्जा जो है वो आपके सराउंडिंग हो जाएगी अगर आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बिचिंग करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप उसकी वजह से अपनी जिंदगी तो नहीं खराब कर सकते ना। तो अपने बारे में सोचें, छोड़ दें फैमिली को बिल्कुल, मतलब छोड़ने का मतलब उनके बारे में सोचना बंद कर दें, ये नहीं कि फैमिली को छोड़ दें। तो जब उनके बारे में बिचिंग नहीं करेंगे तो आपके सराउंडिंग ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी, और आपको इसका बढ़िया प्रभाव मिलेगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपको अपनी फैमिली की तारीफ करनी चाहिए, उनके बारे में जब कभी बात हो तो बड़े प्यार से ग्रेसफुली बात करें, क्योंकि जितना ग्रेसफुली बात करेंगे उतना आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती जाएगी। लेकिन जिन लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, जो हेजिटेट हैं फैमिली से, जो फैमिली से परेशान हैं, तंग आ चुके हैं, वो प्लीज अपनी फैमिली के बारे में बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें ना करें। क्यों शायद वो लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि उस समय जब आप मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करेंगे तो वो कैसे होता है, जैसे होता है ना कि आदमी गुस्से में तो है, मतलब तीखा लग गया, लेकिन कहते हैं नहीं ये बहुत मीठा है। वो मूवीज में देखा होगा ना, वो वाइफ आती है खाना बनाकर और बिल्कुल उसमें नमक ढेर सारा डाल देती है, हस्बैंड खाता है तो कहता है हाँ डार्लिंग बहुत स्वादिष्ट है, और जैसे ही बाहर जाती है मुंह में से सारा निकाल देता है।
तो ये बिल्कुल वैसा होगा, आपके मुंह से तो पॉजिटिव बात आ रही होगी लेकिन इंटेंशन चूंकि निगेटिव होगी इसलिए वो ऊर्जा को निगेटिव कर देगा, तो वो लोग ये ना करें। दूसरे, फैमिली का पूरा सपोर्ट इस महीने आपको मिलने के चांसेस बने हुए हैं, आपकी फैमिली आपको पसंद करती है तो भी, नहीं करती है तो भी, तो फैमिली के मामले में इस महीने आप लकी रहेंगे, किसी प्रकार की समस्या का सामना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के जो एक टाल मटोल का रवैया पिछले कुछ समय से आपने बना रखा है उसे थोड़ा बंद करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कई बार लोग ध्यान देते हैं क्या खाते हैं, चलो स्प्राउट खा लेते हैं। अब स्प्राउट के बारे में बताऊंगा तो कुछ लोग शायद नाराज हो जाएंगे, छोड़ देते हैं। मैंने कभी किसी पतले इंसान को स्प्राउट खाते नहीं देखा और ना मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है जिसने कहा कि जी स्प्राउट खाकर मैं पतला हो गया। मैंने सारे मोटे मोटे लोगों को स्प्राउट खाते हुए देखा, मैं स्प्राउट बिल्कुल नहीं खाता हूं। मैं बाकी हेल्दी चीजें खाता हूं लेकिन स्प्राउट नहीं खाता। तो अब इसका मतलब ये नहीं आप स्प्राउट छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि आप अपने खाने और ना खाने दोनों पर ध्यान दें कि आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें आप नहीं खा रहे होते जिन्हें एक्चुअली खाना है और कुछ ऐसी चीजें खा रहे होते जिन्हें नहीं खाना है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। दूसरे, अपनी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कॉन्शियस रहें, यानी कि फोकस रहें। जो फोकस आपका वाइड एंगल हो गया उसे नैरो एंगल में लेकर गए, नैरो एंगल होता है ना वो एकदम केंद्रित हो जाता है, तो उस तरह से कर लेंगे तो आपके हेल्थ में चीजें ठीक रहेंगी। अदरवाइज इस महीने हेल्थ इश्यूज आपको कम से कम रहेंगे, मिनिमम रहेंगे, इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हेल्थ का ध्यान रखना बंद कर दें, इग्नोर कर दें। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस और बाएं हाथ से निकालना है कैरियर की दो कार्ड्स। फाइनेंस के मामले में आप लकी रहेंगे, आप अगर प्लान करते हैं गोल बनाते हैं तो फाइनेंस के मामले में, फाइनेंस के मामले में कार्ड आया है द लवर्स का, मैं कार्ड भी दिखा दूं आपको, ठीक है। और कैरियर के मामले में आया है वी आर द वर्ल्ड, तो मेरे पास जो कार्ड्स आते हैं उनसे मुझे नहीं लगता आपको समझ पाएंगे क्योंकि मैं कार्ड की वो मीनिंग नहीं बताता जो बुक्स में लिखी है मैं वो बताता हूँ जो कार्ड मुझसे कह रहे हैं। वह लवर्स का कार्ड है, ये फाइनेंस के बारे में आ गया। अब कोई नया टैरो रीडर, अगर टैरो रीडिंग अगर आप लोगों में से कुछ लोग सीख रहे होंगे तो वो सोच सकते हैं कि अब लवर्स का कार्ड फाइनेंस के बारे में क्या बताएगा, इसको तो प्रेम संबंध बताना चाहिए, लेकिन अब ये चूंकि आया है तो ये बताएगा। और ये बता रहे हैं फाइनेंस के मामले में आप अगर प्लानिंग बना लेते हैं तो वो अचीव हो जाएगी। पॉइंट नंबर टू, आप अपनी उम्मीद से ज्यादा तो प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन क्षमता से ज्यादा की प्लानिंग ना करें, दोनों चीजों में फर्क है। आपकी कैपेबिलिटी भी आपको पता है तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग और अपनी क्षमता से, सॉरी अपनी उम्मीद से थोड़ा बढ़ा करके, लाइक जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे इंक्रीज कर लें अपने गोल को, लेकिन जितनी आपकी एबिलिटी और पोटेंशियल है उससे आगे लेकर के ना जाएं। दोनों के बीच में मतलब एक बैलेंस वे में रखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल गोल्स आपको अचीव हो जाएंगे। इस महीने किसी को उधार ना दें, कोशिश करें किसी से उधार लेना भी ना पड़े। अगर आप क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम करें, बहुत फायदा रहेगा आपका, ठीक है। और कैरियर के मामले में थोड़ा सा गो थ्रू रहें, जो चल रहा है उसे पहले तो चलने दें। अब जो चल रहा है में कई चीजें हो जाती हैं, कभी कभी जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कभी कभी जो चल रहा है बढ़िया नहीं चल रहा। अब अगर बढ़िया नहीं चल रहा तो उसे बढ़िया ना करें, उसे भी अच्छा ना चलने दें, क्योंकि उसका अच्छा ना चलना भी आपके लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? वो फ्रॉग वाली स्टोरी सुनी होगी ना आपने, कॉर्पोरेट्स में बड़ी मशहूर है। चलिए मैं उसको टीम को कहता हूँ कि फ्रॉग वाली स्टोरी नोट कर लें, मैं इसको कभी सुनाऊंगा आपको, कॉर्पोरेट वर्ल्ड फ्रॉग स्टोरी, इसका सिर्फ इतना ही नोट करना है, बहुत सारे लोग नहीं जानते ये स्टोरी, कई लोगों को हेल्प कर सकती है, मैं इसको फिर कभी लेकर के आऊंगा। लेकिन आज जो मैंने स्टोरी पोस्ट ऑन की है उसका नाम है, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एक नास्तिक की कहानी, तो इसको जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जो आपके कैरियर में चल रहा है बढ़िया उसे तो चलने दें, जो आपके कैरियर में बुरा चल रहा है उस बुरे को बुरा चलने दें, उसे बढ़िया करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब वो बुरा होता रहेगा तभी तो आप बदलेंगे। अगर आप उसे अच्छा कर लेंगे तो क्या खाक बदलेंगे? तो वो जो बुरा हो रहा है, जो खराब हो रहा है कैरियर में चीजें, उन्हें खराब होने दें ताकि आप अपने कैरियर को बदलने की दिशा में काम कर सकें। गजब की बात थी ना अब बात करते हैं हम यहां पर आपका स्टूडेंट्स की, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स आपके लिए थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड है, बड़ा मजेदार, मतलब मैं खुश हो गया थंडरबोल्ट का कार्ड, और इसलिए खुश हो गया कि जून के बाद जुलाई पे आया है, तो जून की जो छुट्टियां हैं उसके बाद आपकी पढ़ाई तो पता ही होगा आपको कैसी माशाल्लाह चल रही है पढ़ाई आपकी, मतलब पढ़ाई के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, डांट खा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए अलग चीजें भी आ रही हैं, ये कार्ड मुझे समझा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सारे नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ते भी हैं, तो ये उनके लिए समझा रहा है।
अगर आप अपने रूटीन पर, रूट होता है ना पौधों में, मतलब वो जड़ होती है और जड़ से फिर पेड़ बन जाता है, तो अगर आप अपने रूटीन पर, इसीलिए उसको रूटीन कहते हैं, रूट से रूटीन है, रूटीन पर कायम है, तो आपकी एजुकेशन के लेवल में इस महीने वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आपने अपने रूटीन को ब्रेक कर दिया था, जड़ काट दी थी, पढ़ना लिखना बंद, जून का महीना छुट्टी का, खेलो मस्ती करो, घूमो, टीवी देखो और यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब चलाते हैं आजकल सारे बच्चे, तो इस महीने आपको बहुत परेशानी होने वाली है स्टूडेंट्स। और परेशानी क्या होने वाली है, आपको अपने ही सिलेबस की चीजें, अपने ही चैप्टर की चीजें, अपने ही कोर्स की चीजें नहीं समझ में आने वाली। इसके लिए आपको चाहिए, बेटर है आपके लिए ये जो, अगर आप लोग इसको जून जुलाई का महीना शुरू होने से पहले देख ले रहे हैं, चूंकि ये 8 दिन 9 दिन पहले अपलोड हो जाएगा, अगर आप पहले देख ले रहे हैं तो आपके पास हफ्ते 10 दिन का जो समय बचा है उसमें अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और अगर आपने मिड जुलाई या बीच में आपने इसको देखा है वीडियो को, तो जान ही चुके होंगे कि आधा महीना तो आपका खराब जा ही चुका, जुलाई का बचा है आधा महीना, तो वो जो आधा बचा है उसको ठीक करने की कोशिश करें। अपने आप को सबसे पहले ये बताएं, ये मान लें कि हाँ चीज़ें आपने खराब करी हैं, ये हो गया था, वो हो गया था, लॉकडाउन चल रहा था, इंटरनेट बंद था, मम्मी ने ये कहा, पापा ने, एक्सक्यूज ना दें। अगर आपने एक्सक्यूज दिया तो आपकी पढ़ाई सुधार नहीं हो सकता, गलती आपकी है, माने अपनी गलती मान लें। अगर आपको लगता है आपकी गलती नहीं, तो भी अपनी गलती मान लें कि हाँ मेरी पढ़ाई में जो फ्लॉज आए, जो प्रॉब्लम आई हैं जून के महीने में, उसमें मेरा हाथ था। जैसे ही आप मान लेते हैं, वो गलतियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और बेटरमेंट की ओर आप मुड़ जाते हैं। जब तक आप गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक बेटरमेंट की ओर नहीं जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज इतना ही। आज का टॉपिक, चूंकि ये तो मंथली टॉपिक था, तो टॉपिक तो जुलाई का ही है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए, चूंकि ये एक पूरे महीने की प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूं, तो अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में लोगों को शेयर करिए कि वे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और उनको रिक्वेस्ट करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप करके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी पाइल नंबर 1, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपने पेंटिकल को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, तो आपकी पाइल नंबर 2 है। और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करूंगा और देखूंगा कि जुलाई का जो महीना है ये आपके लिए कैसे रहने वाला है, इस महीने क्या क्या चीजें आपके लिए आ रही हैं, क्या क्या सावधानियां आ रही हैं, सारी चीजें आज कवर की जाएंगी। तो सबसे पहले कार्ड नंबर 1 आपके लिए आया है किंग ऑफ द कप्स का। नंबर 2 पोजीशन पर आपके लिए नाइट ऑफ द वॉन्ड्स, और थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ द वॉन्ड्स। तो तीन के तीनों कार्ड माइनर अर्केना ग्रुप से। अब आ गई हाई प्रिस्टेस आपके लिए, टैरो कार्ड के सबसे पावरफुल कार्ड, नंबर 4 पोजीशन पर। और लास्ट में आपके लिए आया है फिर से मेजर ग्रुप से द हेरोफेंट। हेरोफेंट कार्ड नंबर 9 है टैरो कार्ड्स में, और हाई प्रिस्टेस कार्ड नंबर 2 है। इनका सेकंड पोजीशन पर इनको जगह दी गई है, लेकिन ये सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है। नंबर 1 मतलब सबसे पावरफुल कार्ड है। तीन कार्ड सबसे पावरफुल हैं टैरो में, जिसमें से पहला नंबर है हाई प्रिस्टेस का, दूसरा नंबर है द मजिशियन जो कार्ड नंबर 1 है, और तीसरा नंबर है द फूल कार्ड नंबर 0। तो 2-1-0, ये इस तरह से रिवर्सल में टॉप 3 हैं। तो जो लोग नहीं जानते, वो द फूल का नाम सुनकर कभी कभी सोचते हैं कि ये कार्ड कैसा कार्ड है जो पावरफुल है। खैर कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं जुलाई की, टाइम को वेस्ट नहीं करते। जुलाई का जो महीना आपके लिए होगा, इसकी जो शुरुआत होगी, जैसा कि पिछला महीना आपके लिए थोड़ा सॉफ्ट गया, थोड़ा नरम गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गेन आपको नहीं मिली पाइल नंबर 2, बट ये जो महीना है, इस महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ होगी, अपनेपन के साथ होगी, और चीज़ें आपके फेवर में मूव हो रही हों उस तरह से होगी। बट आपको हमेशा ही कैरियर ओरिएंटेड रहना है इस पूरे महीने, इस बात का ध्यान रखें। जितना ज़्यादा आप अपने कैरियर पर फोकस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप, यहाँ मैं धन की बात नहीं, मैं कैरियर की बात कर रहा हूँ, अपने कैरियर को बनाएंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा। तो कैरियर पर जितना फोकस रहेंगे, जितना पैशनेट रहेंगे, उतना आपका अपना फायदा होगा। लेकिन इन सारे पैशन वगैरह की चीज़ों में फैमिली को, अपनी पर्सनल लाइफ को, इन चीज़ों को भूलना नहीं है, इनको ध्यान रखना है। हर्मिट का कार्ड आपके लिए है जो कहता है थोड़ा इंट्रोवर्ट भी हों इस महीने। इस महीने के आखिर तक आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, अगर आप बीच में नहीं होते हैं, मतलब ये पूरा वेट करेगा आपके लिए हर्मिट। और अगर पूरे महीने आपने अपने आप से बातचीत नहीं करी, अपना आत्म साक्षात्कार, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन नहीं किया,
तो मंथ के जो एंड वाला मोमेंट होगा, आखिरी का हफ्ता, उसमें आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, या आपको इंट्रोवर्ट कर देगा। और जब ये इंट्रोवर्ट करेगा तो आप थोड़ा दुनिया से कट जाएंगे, सोशलाइट कम रहेंगे, और फिर उस समय अपनी गतिविधियों पर आप विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, और आप अपने आप को कैसे आगे ले जाएं, कैसे सिचुएशन में सफलता अर्जित करें, इन सब चीज़ों के बारे में आपके माइंड में कैलकुलेशन चलनी शुरू होगी। सबसे बेटर चीज़ है हाई प्रिस्टेस का आपके लिए आना, जो पहली चीज़ तो बताती है कि आप एक ग्रेसफुल जीवन जिएंगे इस जुलाई के महीने में। लेकिन उस ग्रेसफुल जीवन के साथ साथ चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, और जब चुनौतियां आपके सामने आए, सही और गलत, अच्छा और बुरा में चुनने की, तो सत्य के साथ जाइए, असत्य के साथ मत दीजिएगा। असत्य कितना लुभावना हो, झूठ कितना भी बढ़िया हो, कितना ही ज़्यादा लोभ उसमें हो, कितना लालच उसमें हो, कितना बड़ा फायदा हो, लेकिन उसका साथ आपको नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और आपका पैशन ही सर्वोपरि होगा इस पूरे महीने। अगर आप पैशनेट नहीं रहेंगे तो इस महीने को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। शुरुआत इस महीने की जब होगी तो थोड़ी सी धीमी होगी, लेकिन जैसे ही शुरुआत हो जाएगी, 2-3 दिन बीतेंगे, आप देखेंगे कि आपका कैरियर की ओर फोकस हो गया है, ध्यान चला गया है। और जब आप कैरियर ओरिएंटेड हो जाएंगे तो पैशनेट हो जाएंगे, जब आप पैशनेट हो जाएंगे तो चीज़ें अलग तरह से मूव करेंगी, और अगर पैशनेट नहीं होंगे तो चीज़ें बस जैसा नॉर्मल मूव करती हैं, नॉर्मल मूव करेंगी। तो अगर आपको नॉर्मल से थोड़ा हटना है तो फिर पैशनेट होना पड़ेगा, और पैशनेट होने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। 8 of the Wands का कार्ड है जो बहुत आसानी से आपको पैशनेट कर देगा, बस आपका थोड़ा सा एफर्ट चाहिए। अब जेन कार्ड से देखेंगे कि जेन कार्ड्स का आपकी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर क्या कहना है, आपकी लव लाइफ, फैमिली रिलेशन, और स्टूडेंट्स की लाइफ, और आपका कैरियर, फाइनेंस, इन पर इनका क्या आता है, जुलाई के महीने में आपका कैसा रहेगा सब कुछ। सबसे पहले बात करेंगे आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ इस महीने आपकी अच्छी रहेगी, एक अलग मुकाम पर जा सकती है, लेकिन आपको अपने लवर को या आपकी अपने स्पाउस को, स्पाउस मतलब जीवन साथी, आपको अपने लवर या अपने स्पाउस को थोड़ा फ्रीडम देने की जरूरत है। आप बांध के नहीं रख सकते, प्यार को बांधा नहीं जा सकता, प्यार को उन्मुक्त छोड़ दीजिए, प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो खैर यहाँ पर ये चीज़ तो नहीं दिख रही कि प्यार नहीं है आपके जीवन साथी या आपके लवर को आपसे, लेकिन उसे बांधने की कोशिश ना करें, उसे थोड़ा सा उन्मुक्तता दें। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, उन्मुक्तता तभी दी जा सकती है जब भरोसा हो। और अगर आप अपने जीवन साथी या अपने लवर के ऊपर भरोसा दिखाते हैं तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका जीवन, आपका जो प्रेम जीवन है, लव लाइफ आपकी है, ये और अच्छी, मजबूत और स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं आपकी फैमिली की। फैमिली के मामले में अगर कुछ तनावपूर्ण गतिविधियां चल रही हैं तो उन तनावपूर्ण गतिविधियों का सामना करें बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, बहुत वजन देकर के उन चीज़ों को ना चलें। जो कुछ भी फैमिली में लोग अगर आपके अगेंस्ट भी हैं तो उनको नॉर्मल तरीके से डील करने, हैंडल करने की कोशिश करें, खुद को कूल रखें, खुश रहें, और एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप सामंजस्य और तालमेल बनाने का अपनी फैमिली के साथ प्रयास करेंगे, फैमिली लाइफ आपकी उतनी अच्छी रहेगी। इस चीज़ का खासा ध्यान रखें कि आपकी ओर से कोई स्ट्रेस फैमिली की ओर पास ऑन ना होने पावे। उनकी ओर से जो आता है उस पर तो एकदम कूल हो जाएं कि ठीक है, फैमिली है, हो सकता है ऐसा, बट अपनी ओर से कोई तनाव परिवार को ना दें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। हेल्थ के मामले में इस महीने आप लकी रहेंगे। जुलाई के महीने में हेल्थ इश्यूज आपको मिनिमम से मिनिमम रहेंगे, और अगर कुछ इश्यूज थे तो उसमें रिकवरी रेट आपकी बहुत तेज होने वाली है, इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर के कूल हो जाएं। अब कूल होने का मतलब ये नहीं कि शुरू हो जाएं और शुरू हो जाते हैं ना कि अब चलो, अब तो कह दिया, अब तो शुरू हो जाओ खाना पीना एकदम भर के पेट, तो वो भी नहीं करना है। कूल होने का मतलब कि कूल रहें, थोड़ा सा नियंत्रित रहें, थोड़ा डिसिप्लिन में भी रहें, और एंजॉय भी करें। हेल्थ को लेकर के सच में कोई प्रॉब्लम इस महीने आपको बड़ी नहीं आने वाली है। इस महीने चीज़ें आपके पक्ष में हैं, फेवर में हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आवश्यकता से अधिक कंफर्ट जोन में जाना भी थोड़ा नुकसानदेह होगा, इसलिए कूल तो रहें लेकिन एकदम सो ना जाएं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उन लक्ष्यों को पाना आसान होगा, इसलिए अपने लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करने की जरूरत फाइनेंशियल मामलों में आपको है। इस महीने आपके द्वारा सोचे गए गोल के पूरे होने के सबसे ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन गोल्स का निर्धारण कर लें, महीने के शुरू होते ही कर लें या शुरू होने से पहले कर लें कि आपको इस महीने क्या गेन करना है फाइनेंस के मामले में, और वो एक्चुअली अचीवेबल है। कैरियर के मामले में आपका करेज ही सब कुछ है, हिम्मत है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। लोग आपके खिलाफ बिचिंग करेंगे, लोग आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी करेंगे, लोग आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करके दिखाने की कोशिश करेंगे जो आपके कैरियर को चौपट कर दे,
तो इन लोगों से, ये जो जिनको मैं कहता हूँ ना, ये सलाहकार गैंग होते हैं ना दुनिया में, सलाहकार गैंग, उनको खुद तो कुछ आता नहीं जिंदगी में, उन्हें खुद तो कुछ किया नहीं, लेकिन सबको सलाह बांटते फिरते हैं, एडवाइजर होते हैं। तो इस एडवाइजर ग्रुप से थोड़ा सावधान रहिए, इनकी एडवाइजरी को मानने की जरूरत नहीं है, आपको अपने ब्रेन से काम लेने की जरूरत है। आप अपने आप में काफी कैपेबल हैं और कैरियर को लेकर के इस महीने उछाल आपको मिल सकता है, बस आप अपने ऊपर सही नियंत्रण रखें और किसी भी तरह की गलती ना करें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स, आप इस महीने थोड़ा कंप्रोमाइजिंग मोड में रहेंगे, क्योंकि पढ़ाई को लेकर के आपका जो पिछला रवैया रहा है वो थोड़ा सा नुकसानदेह रहा है। हालांकि जून के महीने की शुरुआत में तो आपकी पढ़ाई का मामला सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जून का महीना शायद ये छुट्टियों की वजह से आप थोड़ा कैजुअल ज़्यादा हो गए, तो इस कैजुअल होने की वजह से अभी आपने अपने आप को ही अपना दुश्मन बना रखा है, तो ये ना करें। दूसरा चीज़, पढ़ाई को लेकर के अपनी पिछले वाले वर्जन से कंपैरिजन ना करें, यानी कि जून के महीने, सॉरी जुलाई के महीने में अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरे से पढ़ाई हो नहीं रही, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, और पहले तो मैं इतना इतना देर पढ़ लेती थी या पढ़ लेता था, तो ये जो कंपैरिजन है ये ना करें। अपने आप को सिर्फ ये समझाएं कि अगर इस समय आपका पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग रहा है, तो धीरे धीरे मोल्ड करके आप अपने मन को वापस उस मोड में, उस फ्रेम पे ला सकते हैं, और ये आपके लिए पॉसिबल है। इस महीने किसी भी तरह का पढ़ाई पर रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पढ़ाई को बिल्कुल कैजुअल लेकर ना चलें। तो पाइल नंबर टू आपके लिए आज इतना ही। ये था आपका जुलाई के महीने का प्रेडिक्शन, कि आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि उनके लिए भी उनको हेल्प मिल सके कि जुलाई का महीना उनके लिए कैसा जाने वाला है। और हाँ, मेरे जो नया चैनल है कृष्णा गुप्ता जिसका नाम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, और उस पर एक नई स्टोरी पोस्ट की है मैंने, जिस स्टोरी का नाम है एक नास्तिक की कथा। जी हाँ, एक नास्तिक की कहानी मैंने उसमें बताई है। मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, सस्पेंस क्रिएट बरकरार रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि आप वहाँ जाएं और उस कहानी को सुनें, और उस कहानी में छिपे एक बड़े गहरे संदेश को समझें। आत्मसात करेंगे तो बहुत अच्छा भी रहेगा। तो पाइल नंबर टू आज के लिए इतना ही, और चलते चलते आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ प्रोफेशनल टैरो रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। जब आप इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे साथ बुकिंग के लिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपके साथ। आज इतना ही, तब तक के लिए पाइल नंबर टू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर थ्री, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अगर कप को चूज किया था, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कप आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, तो आपकी पाइल नंबर थ्री है। और अब आपके लिए मैं रीडिंग शुरू करूंगा। वैसे मैं बता दूं, ये जो कप लिया गया है इस बार पाइल के रूप में, ये हाउस ऑफ कप्स का एक प्रतीक है। जो टैरो कार्ड में एक हाउस है, चार हाउस होते हैं, तो उसमें से एक होता है, और ये जो कप्स हैं ये बड़े ही टची होते हैं, ये बड़े ही संवेदनशील होते हैं, सेंटिमेंटल टाइप के होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको लिया है, क्योंकि ये बड़े पसंद हैं मुझे, और ये बहुत ही अच्छी और प्यारी खबरें लेकर आते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ जुलाई के महीने में ये आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आए। तो चलिए, शफलिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। आपके लिए पाइल नंबर थ्री, कार्ड नंबर वन है टेन ऑफ द वॉन्ड्स, कार्ड नंबर टू आपके लिए आया है फाइव ऑफ द स्वॉर्ड्स, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है सेवन ऑफ द वॉन्ड्स। तो वॉन्ड हाउस के दो कार्ड आ चुके हैं, और आपके लिए चौथा कार्ड आया हुआ है नाइट ऑफ द स्वॉर्ड्स का। कार्ड नंबर फाइव आपके लिए है किंग ऑफ द कप्स। सारे के सारे कार्ड आ गए मेजर अर्कना से। मेजर अर्कना मतलब मेटेरियल जगत, भौतिक जगत जिसको हम कहते हैं, तो उस भौतिक जगत से आपके लिए सारे कार्ड आए हुए हैं। और ये जो कार्ड हैं ये बताते हैं कि इस बार आपको थोड़ा सावधान रहना है, जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है। शुरुआत इस महीने की काम के बोझ से होगी, ओवरबर्डन से हो सकती है, आप काम के बोझ के नीचे दब सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें मैनेज कैसे करनी है, तो आप एक तरह की झंझावात या एक तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। इन चीज़ों के अलावा महीने के शुरुआत में ही आपका किसी व्यक्ति से विवाद हो सकता है, या किसी मामले पर आप विवाद के शिकार हो सकते हैं, जो विवाद कई दिनों तक चले। तो कोशिश करें कि विवादों से खुद को हटा लें, आर्गुमेंट्स में जाना नहीं है। उन विवादों में आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए वहां पर रहना आपको कोई मतलब लाभ तो करेगा नहीं, तो बेटर है कि वहां से हटा लें। और हटाने के लिए अगर आपको थोड़ा झुकना पड़ता है,
तो बेशक झुक जाएं। और अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई अटैक होता है तो वहां आपको डट कर सामना करना पड़ेगा, जो कि होगा अगले जुलाई के पहले फ्रेज में होगा, यानी कि शुरू के 10 दिनों में होगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज किए जाने की कोशिश होगी, आपकी डिसरिस्पेक्ट भी हो सकती है यानी अपमान हो सकता है, और आपके कार्यों में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो सकता है दूसरों का। तो दूसरों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम से कम रखें, अपने और अपने लक्ष्य की, अपने कार्य की सुरक्षा करें और अपना पूरा ध्यान रखें। फिर आता है नाइट ऑफ द सॉर्ड, जो कहता है 10 तारीख के बाद का जो बाकी का 2 फ्रेज होगा, यानी 11 से 20 और 21 से 31 का, इस दोनों फ्रेज में आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहेंगे और अपने आप को आगे ले जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। और बीच में अगर कोई आ गया तो उसकी खैर नहीं, इस मोड में आप रहेंगे कि अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा अपनी जिम्मेदारी उसको खुद लेनी होगी, मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूँ। और जब आप ऐसा सोच लेंगी तो ऐसा होता चला जाएगा और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगी। तो इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल फोकस्ड रहें, शुरुआत में ही ध्यान रखें कि आपका क्या लक्ष्य है, कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की। ये तो पूरा एक वो हो गया ना, जर्नी जैसा आपका। अब सबसे मेन चीज़ क्या है कि इतनी हौच पौच उठा पटक के बावजूद आपका दिल बड़ा नरम बना रहेगा। ऊपर से भले आप सख्त रहें अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने कैरियर में आप भले सख्त रहें, लेकिन अंदर से वो जो नरमी आपकी है ना वो बरकरार रहेगी और वो सबको दिखेगी, जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या इस महीने बढ़ सकती है। लोग आपसे मित्रता भी करना चाहेंगे, आपके खिलाफ भी चल रहे हैं कुछ लोग, तो वो तो पुराने वाले हैं ना, जो पुराने वाले तो खिलाफ होते ही हैं, वो नए वाले खिलाफ बाद में होते हैं खिलाफ तो सब जाते हैं, तो ये जो नए वाले हैं, खैर इनका खिलाफ जाना तो बड़ा लंबा टाइम अभी है, तो उसमें परेशान ना हो, वरना आप सोचें कि दोस्ती ही नहीं करनी जब खिलाफ जाना है। तो इनसे अच्छा, वो जो खिलाफ जा भी रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी फ्रेंड हैं जो हेल्प करेंगे आपकी, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सपोर्ट में नहीं हैं। तो जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनके बारे में कोई निगेटिविटी ना रखें, जो नए लोग आपके पास आएंगे, जो नए लोग आपसे मित्रता करते हैं, और साथ ही साथ खुश होकर के, गदगद होकर के किसी डिसीजन को ना लें। अगर किसी डिसीजन को आप गदगद होकर के लेते हैं तो वो डिसीजन आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, सावधान रहें और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहें। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बर्डन में चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। इस बर्डन को आप कम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीज़ों को अगर हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश आसानी से हो जाएगी, मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है, इसको ऐसे समझें। अब देखते हैं ज़ेन कार्ड आपके लिए क्या बताते हैं लाइफ के अलग अलग आस्पेक्ट में, यानी आपकी लव लाइफ, फैमिली, हेल्थ, कैरियर, स्टूडेंट्स, सबको क्या क्या है ज़ेन कार्ड से उनके लिए आया। पहला कार्ड आपके लिए जो आया है मेरा, यह है लव के लिए, इसका नाम है ब्रेक थ्रू आउट। ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड जब लव के लिए आया है तो यह बताता है कि पाइल नंबर 3, दो चीजें मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, ये कहता है दो में डिवाइड कर लो। अब दो में दो तरह के लोग हैं, पहले जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, दूसरे जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही। जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही, पहले आज उनकी बात करना चाहूंगा। मैं पहले उनकी बात करने वाला था जिनकी प्रॉब्लम चल रही, लेकिन मैं एज पर द कार्ड चलता हूँ, ये कहता है पहले उधर की बात करो जिनकी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ठीक है, प्रॉब्लम वाली बात बाद में करना, क्योंकि वो बात पहले बताई तो जिनकी नहीं चल रही वो भी उसको रिलेट कर लेंगे। ये काफ़ी समझदार होते हैं, मुझसे तो खैर काफ़ी ज़्यादा। तो ये कहते हैं कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं चल रहा है, तो आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा करने में समस्या कहाँ आ रही है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मेरे कार्ड को समझ नहीं आता, वो ये कहता है। और आपका साथी भी आपके ऊपर ट्रस्ट इशू के शिकार हैं, तो दोनों को एक दूसरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाना होगा। कार्ड का नाम है ब्रेक थ्रू आउट, इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर रहा है द फूल की। इसीलिए मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में आप लोगों को बताया है कि जब मैं कोई कार्ड निकालूं तो आप इंटेंशन ना बनाया करें, क्योंकि मैं आपको वो बताता हूं जो ये कार्ड कहता है, मैं बिल्कुल वो नहीं बताता जो इसकी मीनिंग है। इसकी मीनिंग क्या है वो तो बुक में दी है, और अगर मैं बुक ही बताने लगा तो बुक तो आप खुद खरीद कर पढ़ दें, मेरी ज़रूरत क्या है। तो मेरी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कार्ड मुझे जो बता रहा है वो बता रहा हूँ। अब ये मुझे द फूल की कहानी समझा रहा है, और मैं समझ गया ये क्यों चाहता था कि पहले उनके बारे में बात करूँ जिन लोगों की लाइव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चल रही है। ये कहता है ये जो ट्रस्ट का इशू है ये आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इसलिए द फूल की तरह ट्रस्ट करना सीखें, द फूल की तरह से ट्रस्ट करना शुरू करें। कुछ लोग जो पुराने हैं उनको पता होगा, मैंने अपनी कुछ वीडियोस में द फूल के बारे में डिस्क्राइब किया है कि उसका ट्रस्ट कैसा है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी से फिर से डिस्क्राइब कर दूं, समय नहीं गंवाऊंगा। द फूल एक कार्ड है टैरो में, अब मैं खोजूंगा नहीं कहां पर है, एडिटर्स अगर स्क्रीन पर लगा देंगे तो बेटर है, नहीं लगाएंगे तो आप मुझसे सुनते जाएं, कभी कभी होता है मिस कर जाते हैं, तो ज़्यादा माइंड ना करें।
द फूल का जो कार्ड है वो टैरो में ट्रस्ट के लिए जाना जाता है, उसका ट्रस्ट होता है और नहीं होता है दोनों। तो उसके बारे में अब ये तो हर डेक में द फूल होता है, लेकिन जेन कार्ड का जो द फूल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरों से। ये डिसिसिव मतलब इसका कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें एम्प्योरिटी हो, कहीं से प्योर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसका जो ट्रस्ट है वो अनकंडीशनल है। मतलब अगर द फूल कोई पर्सन है और उसने आप पर भरोसा कर लिया, आप उसे एक बार धोखा देंगे वो आप पर भरोसा करेगा, दोबारा देंगे फिर भरोसा करेगा, तीसरी बार देंगे फिर भरोसा करेगा, आप उसे धोखा देकर थक जाएंगे लेकिन उसका भरोसा टूट नहीं सकता। ये इसलिए क्योंकि उसने जब आप पे भरोसा किया तो वो अनकंडीशनल था, उसमें कंडीशन अप्लाइड नहीं था, अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही उसके भरोसे को तोड़ना ही इम्पॉसिबल है। क्या करिएगा ऐसे पर्सन का जिसका भरोसा कंडीशंस में बंधा नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं दे रहा कि आपने धोखा दिया तो मैं भरोसा बंद कर दूंगा, आपने ये किया तो मेरा भरोसा खो देंगे, आपने वो कर दिया तो मेरे भरोसे की कोई कीमत नहीं, तो फिर भरोसा तो आपका दो कौड़ी का है। अंडरस्टूड? ये मैं नहीं कर रहा, ये द फूल की कहानी है जो ये ब्रेथ थ्रू आउट से आ रही है। अब ये कहता है कि अपने साथी पर अनकंडीशनल भरोसा करने की जरूरत है अगर सचमुच में प्यार है तो। आपका साथी आप पे अनकंडीशनल भरोसा करेगा या नहीं ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ओर से समझें। अब ये कहता है कि अगर आपका साथी भी आप पर अनकंडीशनल भरोसा करता है तो आप दोनों की लव लाइफ बल्ले बल्ले बिल्कुल बढ़िया शामा शामा। लेकिन अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो यही ब्रेक थ्रू आउट का कार्ड कहता है कि भैया मूव ऑन करने का भी समय आ गया है। क्यों फंसे पड़े हो, निकलो बाहर। कब तक जान लोगे उसकी और जान दोगे अपनी, फंसी है ना दोनों की जान साथ साथ में, तो छोड़ो फिर यहां से, निकलो और बाहर चलो, क्योंकि आगे कुछ और चीजें हैं जो इंतजार कर रही हैं। अब उसके बारे में ये भी नहीं बता रहा मुझे। फैमिली लाइफ के लिए आपके लिए आया हुआ है एक्सपीरियंसिंग। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड कहता है परिवार आपके लिए सब कुछ है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। परिवार आपका बैकबोन है और परिवार ही इस महीने आपके लिए सब कुछ करेगा। बेटर है कि आप परिवार के साथ अपने रिलेशन को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, कमजोर ना करें और इम्प्रूव करके रखें, और परिवार के साथ अपने आप को बिल्कुल बॉन्डिंग में रखें, बांध करके रखें। जितना ज्यादा परिवार आपके लिए और आप परिवार के लिए लॉयल रहेंगे, जीवन आपका उतना बढ़िया होगा इस जुलाई के महीने में। अब बात करते हैं हेल्थ की। गोइंग विद द फ्लो इस कार्ड का नाम है। ये कहता है कि आपकी हेल्थ के मामले में आप थोड़ा सही रूटीन पर हैं, थोड़ा गलत रूटीन पर हैं, तो जो गलत रूटीन है उसे सही पर ले आएं और फिर उसके साथ चलना शुरू कर दें। और अगर आप सही रूटीन पर हैं तो सही चल रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ चलते रहें, कंटिन्यू करते रहें, इधर उधर ना करें। सपोज आप योगा करते हैं और किसी ने आपको बताया कि हे एरोबिक्स इज बेस्ट थिंग, तो अब योगा बंद करके एरोबिक्स में नहीं जाना है। अगर आप एरोबिक्स कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, आप ठीक फील कर रहे हैं और किसी ने कहा ये क्या वेस्टर्न चीज लगा रखे, तुम योगा करो, तो उसकी मत सुनिएगा, फिर एरोबिक्स में ही रहिएगा। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, रोकिए मत। कहते ना चलते हुए घोड़े को चाबुक से नहीं मारते, उसका रीजन यह है चलते हुए घोड़े को मारा तो बिदक जाएगा। अगर योगा चल रहा है एरोबिक्स करने गए तो ना योगा होगा ना एरोबिक्स, ना क्या 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 कहावत थी वो, ना माया मिली ना राम। और ऐसे ही एरोबिक्स के बजाय अगर योगा करेंगे तो एरोबिक्स तो बहुत पैशनेट है, बहुत तेज है, बहुत एनर्जेटिक है, योगा बहुत स्लो है, बहुत सिंपल है, बहुत टाइम टेकिंग भी है, इम्पैक्ट तो उसका बहुत ज़्यादा है, एरोबिक्स उसके सामने बच्चा है। लेकिन अगर एरोबिक्स वाले पर्सन को योगा करने को कहे तो उसे लगा क्या, अरे यार अब हाथ को ऐसे मोड़ना इससे होगा क्या, लेट मी डांस ऑन द म्यूजिक। तो जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। हेल्थ के मामले में किसी तरह के ज़्यादा इश्यूज आपको नहीं आएंगे, छोटी मोटी चीज़ें लगेंगी वो आसानी से रिजॉल्व हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। फिनांस के मामले में आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। आपका अपने ऊपर जितना भरोसा होगा फाइनेंशियल गेन उतनी ज़्यादा होगी। इस भरोसे को थोड़ा सा इन्हेंस करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं अपना पैसा लगा दें सारा जाकर कहीं, इसका मतलब है कि रिस्क वाले काम कौन से हैं या कौन सा काम है जो आपको रिस्की लगता है और जो कंप्लीट हो सकता है, फुलफिल हो सकता है, यानी कि आप कर भी सकते हैं, आपको रिस्की भी लगता है, लेकिन इसके बावजूद आप उस काम में इन्वॉल्व होकर के अपने आप को बेटरमेंट की ओर ले जा सकते हैं और अपने फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। कैरियर के मामले में जुलाई का जो महीना है इस पे कार्ड आया हुआ है बर्डन का। बर्डन का जो कार्ड है ये बताता है कैरियर के मामले में दूसरों की सलाह पर काम नहीं करना है और दूसरों के कंधे पर चढ़कर आगे जाने की कोशिश भी नहीं करनी है। अपने आप आगे बढ़ें, अपनी सलाह माने,
कोशिश करें कि अपने लक्ष्य खुद तय करें, अपना मार्गदर्शन स्वयं करें। अगर ये आप करते हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं जॉब करते हैं और किसी के सिर पर पैर रखकर आगे निकल जाएंगे और आपको कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हैं। निकल तो जरूर जाएंगे, लेकिन उसका कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा कुछ समय के बाद, और वो कर्मफल 6 महीने के अंदर आ जाएगा। इनने ये भी बता दिया, ये कहते हैं जब कर्मफल की बात हो रही है तो टाइमलाइन भी दे दो भैया, 6 महीने के अंदर कर्म का फल मिल जाएगा प्यार से, और सारी समस्या मतलब जो कुछ भी कहते हैं गुस्सा है ये नाराज है, कहते हैं अगर दूसरे के सिर पर पैर रखे तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी 6 महीने के अंदर। नाराज हो गए थे ये वापस पुराने मोड में। करियर को लेकर के आप नाहक चिंता करनी बंद करें। अगर आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंड है और आप अपने करियर में बूम नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो फैमिली की ज्यादा चिंता न करके अपनी चिंता करें कि आप अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाएंगे और अपने लिए और ज्यादा कमाई कैसे बढ़ाएंगे। जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो चीजें अलग ढंग से मूव होंगी, जब आप फैमिली के लिए फोकस करना शुरू करते हैं तो फिर डर आना शुरू होता है कि अरे यार अगर कुछ हो गया तो फैमिली का क्या होगा। तो 2 मिनट के लिए छोड़ें फैमिली को, खुद के बारे में फोकस करें और खुद पर सोचें और आगे बढ़ जाएं। अब बात करते हैं लास्ट में स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स आपके लिए 10 सोर्स का कार्ड आया है। पाइल नंबर 3 अगर आप हैं तो बहुत लकी स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपने जून के महीने में अपने एजुकेशन के मामले पर कुछ भी हीला हवाली नहीं की, ध्यान पूरा रखा। हालांकि पढ़ाई के घंटे आपने कम कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद आपका फोकस या तो सही बन गया या आपके मम्मी पापा ने पीट पाट कर सही कर दिया डांट डपट कर भी कर दिया होगा, पीट पाट कर डांट डपट कर। तो पाइल नंबर 3 के स्टूडेंट्स आपके लिए सिंपल सी चीज है कि इस जुलाई के महीने में जितना ज्यादा अपने कैरियर सॉरी अपने एजुकेशन पर आप ध्यान देंगे उतना फायदेमंद रहेगा। आपकी जो बुक्स हैं, आपकी जो एजुकेशनल सामग्रियां हैं, ये बहुत ईजी हैं, इनको हलवा समझना शुरू कर दें। बिल्कुल इनको ऐसे समझ गए तो कुछ नहीं है यार, इट्स जस्ट नॉवेल, और पढ़ डालिए एक लाइन से, आपके लिए आ रहा है, पढ़ डालिए एक लाइन से, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ याद नहीं करना। अपनी बुक्स के मतलब अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी बुक्स लग रही हैं जैसे कि बुक्स लगती हैं, तो जितनी भी बुक है 5, 6, 7, 8, 10 जितनी भी हैं उन सबको इस जुलाई के महीने में ख़त्म कर डालिए पढ़ के। जैसे नॉवलिस्ट होते हैं ना, 2-2 दिन में नॉवल पढ़ के ख़त्म करते हैं 500-500 पेज के। तो सोचिए जब नॉवलिस्ट मतलब वो नॉवल पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ, नॉवलिस्ट नॉवल लिखने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉवलिस्ट उनको भी कहता हूँ क्योंकि वो बड़े नॉवलिस्ट होते हैं, बिकॉज वो 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर 500-500 पेज पढ़ डालते हैं। लेकिन उनको एक सेल्फ हेल्प की बुक दे दीजिए कि क्या कहते हैं डेल कार्नेगी की ये बुक है, इसको पढ़ा लिए तो वो 2 पन्ना पढ़ के बोलेंगे अरे यार बड़ा बोरिंग है ये। तो उन नॉवेल रीडर्स की तरह से आप अपनी बुक्स को पढ़ डालिए, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ डालिए, उसमें कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मत करिए, किसी तरह के एग्जाम के नोट्स मत बनाइए, कुछ भी मत करिए, सिर्फ एक सिरे से उठाइए और पढ़ के खत्म। ये आपको पूरे ईयर में कैसे बेनिफिट देगा, आपको पूरा ईयर जब चलना शुरू होगा समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज आपके लिए आ रहा है कि जो भी आप अपने एजुकेशन में नया इनोवेशन करते हैं उसे अपने पास रखें, दोस्तों को ना बताएं, बिल्कुल भी कहीं बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इनोवेटिव चीजें बताने से हट जाती हैं, ढह जाती हैं। बाकी आपकी पढ़ाई को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। पाइल नंबर 3 आपके लिए ये महीना बढ़िया और कूल रहेगा। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को एक्चुअली शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि पूरे महीने की प्रेडिक्शन वो भी देख सकें और उनको भी बेनिफिट इसका मिल सके। और हाँ, साथ साथ बता दूं कि जो मेरा एक नया चैनल मैंने बनाया है स्टोरीज के लिए, जिसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, तो उस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर जाएं और क्लिक करके उस चैनल पर पहुंचें। सबसे पहले उस चैनल जिसका नाम मेरे नाम पर है कृष्णा गुप्ता, उसे सब्सक्राइब करें और उस पर स्टोरीज का आनंद लें। आज भी एक स्टोरी उस पर पोस्ट की गई है, बिल्कुल नई स्टोरी है। स्टोरी का नाम है एक नास्तिक की कथा, बहुत बढ़िया कहानी है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा, किसी भी पाइल में मैंने नहीं बताया कि कहानी में क्या है। जानने के लिए आपको स्टोरी वाले चैनल पर जाना है और उसे देखना है। स्टोरी बहुत गजब की है, उससे जो मोरल मिलता है वो स्टोरी से ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ जाएँ, एंजॉय करें। और चलते चलते आपको याद करा दूँ कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूँ। तो अभी आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहा है, ये मेरी टीम का नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे साथ पर्सनल सेशन की बुकिंग करवा सकते हैं। तो पाइल नंबर 3 आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।